नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए जो है राजस्थान में नई भर्ती को लेकर एक अपडेट है। दोस्तों, ग्राम उद्यमिता मित्रा के पदों पर भर्ती है, 5450 पदों पर भर्ती है। आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, इसकी अंतिम तिथि क्या है वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, अंतिम तिथि इसकी 9 अक्टूबर और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या ये प्राइवेट वैकेंसी है या सरकारी वैकेंसी है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आप अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर एक वेबसाइट है दोस्तों, और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है आपकी प्राइवेट वैकेंसी है। क्या है? प्राइवेट वैकेंसी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। परंतु सभी विद्यार्थी जो है आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका स्वागत है उद्यमिता विकास परिषद में, यानी कि ये दोस्तों भारत सरकार की आप समझ सकते हो लिमिटेड वैकेंसी हो, आप समझ सकते हो। पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से क्या पूरी जानकारी है। तो ये जानकारी पढ़ करके आप आवेदन करना है। ये जानकारी पढ़ने के बाद ही आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है, उसी के बाद आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है वो आप देख सकते हो। आवेदन कैसे करें, चार सरल चरण हैं। स्टेप फर्स्ट, ईमेल के साथ रजिस्टर करें, फ़ोन नंबर, नाम वगैरह ये आपको करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे जिसमें आपका आवेदन हो जाए करना है आपको। उसके बाद सेकंड स्टेप में अपनी पसंद का जॉब चुनना है आपको। स्टेप थ्री में अपना विवरण का दस्तावेज भरें। स्टेप फोर में आपको पंजीकरण शुल्क का जमा करना है, यानी कि भुगतान करना है आपके पेमेंट का। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जिस वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा था, ग्राम उद्यमिता की भर्ती की। तो ये चलिए जॉब में क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। किस आधार पर? इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के आधार पर, परंतु उसमें भी कंडीशन बताई गई है। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 435 रुपये रखी गई है। एससी एसटी के लिए जो फीस रखी गई है, पीएस कैंडिडेट के 275 रुपये। फीस जो है नॉन रिफंडेबल होगी, ये आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑनलाइन जो पंजीकरण करवाया जाएगा, जिसकी प्रारंभिक तिथि है तो 5 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 इसकी जो है अंतिम तिथि है। यहाँ पर बोला गया, अगर पदों की संख्या 3 गुना से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन आ गए हैं तो निगम द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है, जिसका संभावित समय जो है नवंबर 2023 में होगा। ये आप लोग यहाँ देख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये वैकेंसी आपकी सरकारी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है। अशोक गहलोत जी की वैकेंसी नहीं है। देखो, हम पहले जानकारी आपको देने से पहले आपको हम सत्यता की जो है पहचान करवा देते हैं। परंतु आप लोग यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए बता दें, यहाँ पर जो वैकेंसी है ग्राम उद्यमिता मित्रा राजस्थान के पदों पर वैकेंसी है दोस्तों। पोस्ट की संख्या है, पदों की संख्या कितनी है, 5450 पद है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से? यहाँ सीधा क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई करेंगे। उसके अलावा हम बता दें, यहाँ पर जो सैलरी रहेगी वो 21,000 रुपये रहने वाली है। क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो 10th पास रहेगी। रजिस्ट्रेशन आपको 5 सितंबर से 9 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। तो ये वैकेंसी आप यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो इसका आप अप्लाई कर पाएंगे। ये पूरी जानकारी आप यहाँ से देखिएगा, तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में, सभी के सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ में क्लिक कर दीजिएगा आप। फिर जो है आप जो है यहाँ पर अपना नाम वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारा सब कुछ फिल कर दीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से फिर ये फीस वगैरह जमा हो जाने के बाद ये फीस आपकी यहाँ पर जो है ये फॉर्म भरा जा सकेगा, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट एंड फिल एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप एक QR कोड है, इसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये शानदार जो है मैंने आपको वैकेंसी बता दी है ग्राम उद्यमिता की। फिर से बता रहा हूँ कि ये जो है कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, परंतु वैकेंसी ज़रूर है, तो सभी विद्यार्थी इसका आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, जानकारी पसंद आई है तो हम जो है आपको दोस्तों सरकारी और प्राइवेट जितनी भी वैकेंसी है राजस्थान में निकलती है, उन सभी की जानकारी आप तक हम पहुँचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। और भी दोस्तों कोई प्राइवेट वैकेंसी होगी या कोई गवर्नमेंट वैकेंसी होगी तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए दोस्तों, आप जो है आपका मन करता है तो इसका ज़रूर आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको जॉब करने की आपको आवश्यकता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिएगा।